something up on this program now. The summer, please see the potato channel. Go to chapter. Jamsi. Thank you.
खुदा बेटा खुदा रूह कुदस आसमानी बुजुर्ग बाप तू जो था जो है जो आने वाला है खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते क्योंकि तू जो आसमानों की बुलंदियों पर है और खुदा बाप इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे नाम को हमेशा अपने दिल की तख्तियों पर नक्श करने के बस लायक बन जाए और बाप आसमानी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरे खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदाई का दूर तेरे लोगों को बयान किया और एक नई बात सिखाई इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप आसमानी अपने खादिम को खुदा इसी तरह पूरी दुनिया में तू खुदाई का दूर कसरत से इस्तेमाल करना और अपना हाथ हमेशा अपने खादिम पे फैलाए रखना खुदा बाप तुझसे मिन्नत और इंतजार करते हैं और जितने बेटे बेटियां भाई बहने बच्चे तेरे हजूर झुके हुए हैं इन सब के लिए खुदा बाप तू अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें बरकत देना और आज के सारे इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं मिन्नत और इंतजार करते मसीह यीशु जी के नाम से आमीन। सारे पेरेंट्स नौजवान अमूमी तौर पर क्योंकि गल नौजवान मुतलका दी है लेकिन अमूमी तौर पर जो पेरेंट्स ने बच्चे बच्चियां मैं शुक्रगुजार हाँ प्रेज टीवी का और पास्टर शहजाद का पास्टर अजहर का पास्टर जफर का और इन्होंने सारे खानदान तो इलावा जी टीम के पास्टर्स ने उन्होंने क्यों जो मेरा विजन है कि कम अज कम मेरे चर्च जो मौजूद है मेरी कलीसिया है 100 नौजवान बच्चे और बच्चिया जो नौजवान बच्चे उन्होंने यूथ हो नाम जवाब देने मैं था लेकिन उस तो ज्यादा प्रैक्टिकल दुआ ये करनी है कि अपने नौजवान बच्चे बच्चियां पास्टर शहजाद के चर्च पास्टर शहजाद के पादरियों के कोल बेटिया और भैन वाली कंध कट के जाने जिन्होंने अपने पासे का पता नहीं होंगे जिन्होंने पता होंगे वो नहीं जला दी सो अं चाहते हैं कि वो ज्यादा तो ज्यादा खुदा के पाक कलाम को जानन और ही हो सकता है जो उन्होंने लोगों के नाल तुहाडी दोस्ती होवे उन्होंने लोगों के नाल तुहाडा तालुक होवे जिन्हां जिहड़े खुदा के पाक कलाम दी गल करदे ने सो क्योंकि कलाम बेअसर नहीं जांदा कलाम दो तारी तलवार है ते ओ उदो असर करदा है जदो तुहाडे अंदर हुंदा है जे अंदर नहीं है ते बाहर असर नहीं करेगा जे तुसीं चाहुंदे हो कि खुदा दा दो तारी तलवार जिहड़ा कलाम है वो असर करे ते उन्हां चो कलाम भरो और ओ भरन दा तरीका है कि उन्हां कोल गल्लो जिहड़े इस दी लेकिन जेड़े फिल्म बन रही दस्तावेज फिल्म बन रही है मीडिया सेल है हिस्सा है ते एक दफा पादरी मानदीन शहबाज साहब वास्ते और उन्होंने साथियों जिन्होंने पंजाबी जबूर साढ़े तक पहुंचाई उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया शाहीन यूसुफ ने
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਰ ਜਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਹਰੂਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁਸਤਮ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਤੌਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਂਬਾ ਚੁੰਬਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਸਦਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਥਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਗੁੜ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੜ ਨੇ ਬਲਕਿ ਗੁੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕੀਏ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਿਸੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗ ਆਜ ਜਬ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੇ ਆਏ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕੋ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਔਰ ਕੋਈ ठीक है अभी सिंपल सी एक गेम है बल्कि सवाल ही है और थोड़ी देर पहले आपने वो सारी चीजें सुनी भी हैं वो सारी बातें आपने समझी भी हैं कोई एक खातून कोई एक मां जरा ये बताए कि आज जो कलाम आप लोगों ने सुना जो कलाम आज खुदा के बंदा ने आपसे हम कलाम किया कौन सी अंजील में से था ऊंची आवाज में लुका इसका मतलब है भाई साहब याद है इनको किसमें से था ऊंची आवाज में बताएं मैं कह रहा था खुदा के खादिम को पता चले कि वाकई ही आज जो कलाम उन्होंने किया है वो बेतसीर नहीं लौटा बल्कि आप पे उसका क्या हुआ है असर हुआ है कौन सी अंजील थी लुका की अंजील उसका दो बाप बाय यानी कि आप लोगों को पता है कि अभी ये नसर साहब ने भी ये बात की थी कि हमें अपने बच्चों की किस तरह से क्या करनी है केयर करनी है हमें अपने बच्चों को किस तरह से संभालना है प्लीज बैठ जाए चार पांच सवाल है बाइबल मुकद्दस दे जिन्हें जिन्हें आंदा है सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा करे जगह बोलेगा तो इनाम मारा जाएगा दूसरा का इनाम बाजेगा चुप कर जाना एक मिनट ये छोटे बच्चे वास्ते ने और जेड़े बच्चे गए सन उन्होंने गए तो हम सब ने वादा किया सी गिफ्ट मिलेगा तो इस तरह के छोटे बच्चों इंतहाई छोटे बच्चों आप में से आए हमारे बाप की दौड़ इसको पूरी हाथ खड़ा करो आप खड़ी हो नहीं आती और किसको आती है और किसको आप आओ बाकी 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 आए हैं नए बाप
तू जिस मान पे है तेरा बाप मान जाए तेरी बात सही है तेरी मन जिस मान कुटिया है जमीन पे भी हो हमारे रस कुटिया जम दे और जितना हम अपने कर्ज को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर हम जाहिर में ला बल्कि बड़ा सच्चा कि बाचे ही कुरत अभिलाष हमेशा तेरे आओ जबरदस्त। अब बड़ों के लिए, थोड़े बड़ों के लिए, आदि सवाल के लिए, खादमीन के लिए और बाकियों के लिए ये नहीं, क्योंकि मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं किसी खादम को ये कहूँ कि वो इस सवाल का जवाब दे। कि बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, आप में से कोई बताएगा कि मूसा की माँ और मूसा के बाप का नाम क्या था? मूसा की माँ और मूसा के बाप का नाम क्या? जी कोई है जो ये इस सवाल का जवाब देगा उसका इनाम मैं अगर बोल दूंगा फिर ज्यादा कच्च भर देगी मैं बोलने वाला। इसलिए ये बड़ों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए। आपके लिए आजा आजा आप में से कौन बता सकता है कि इब्राहिम की कितनी बीवियां थी? इस तरह सवाल चेंज करेंगे। आप में से कोई बता सकता है, कोई भी एक कोई बताए, लेकिन बताना इस तरह शोर नहीं करना। अगर बताएंगे तो इनाम मिलेगा, अगर नहीं बताएंगे तो सवाल कैंसिल करेंगे। खुदावन यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो उन्होंने एक मौजा किया था मछलियों का, और उस जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई थी। यीशु मसीह ने ये मौजा जब किया तो कितनी मछलियां आई, और ये मौजा यीशु मसीह ने कब किया था? जी माइक ऑन टाइम, माइक आपके पास पहुंचेगा, अपनी जगह पे। नहीं बताना नहीं ऐसा, नहीं 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 कोई बताएगा नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। नया सवाल कैंसल, नया सवाल, नया सवाल। ये बच्चों की उसके लिए हम कर रहे हैं ताकि उन्हें वो खुदा के कलाम को जानने की और उसको समझने की जो है वो पूरी हो। कोई बता सकता है कि जब मूसा मिस्र से निकाला गया, एग्जाइल्ड हुआ, जलावतन किया गया, तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? पादरी के बच्चे नहीं यहाँ बच्चे नहीं है, आपका बच्चों वाले हैं, बाकी बच्चों के बच्चों वाले हैं। हाँ जी 47 आमतौर पर सी कहने पादरियां के बच्चे जड़े में खराब होते हैं, आपका पादरियां के बच्चे ले लो ज्यादा तेज नहीं। चले जी बताए जी, है सवाल गलत है, जवाब गलत। चले पादरी ने दसिया जो सबसे छोटी किताब है बाइबल मुकद्दस की वो कौन सी है और उसके कितने बाब है? नहीं पता। चले पुराने अहदनामे की कुल किताबें कितनी हैं? एक सांस में चले, ये तो टोटल बाइबल की। पुराने अहदनामे की कितनी हैं?
आए मुकम्मल करें छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे जिनमें से जो आपसे जो आप में से जिसको चार के नाम आते हो आप आ जाए माइक लो माइक ये आपके पास आ रहा है वो उसका उसका मुझे याद है वो मैं रेंट पे रखा हुआ आपको पीस जी और एक बता दो उसने एक गलत बताया लेकिन दो अच्छे बता दिए शाबाश खवातीन के लिए खवातीन के लिए सवाल और ये आखिरी सवाल होगा आप रेडी खवातीन के लिए आखिरी सवाल आप में से मुकद्दसा मरियम का गीत किसको आता है उसकी पहली तीन याद या चार याद को बता मुकद्दसा मरियम का गीत जी जी हमारे माइक आपके पास आ रहे उनके पास माइक चला गया जी मुकद्दसा मरियम का गीत मेरे जान खुदा की लड़ाई करके मेरी रूह में मनंजी खुदा से खुश हुई उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देखा आप से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक आमीन आमीन ये पादरी साहब बहने हां जी और पूरा खानदान में तो तुम्हें रंग गया है आज प्लीज तशरीफ क्या हो आगे चले जाओ हम कुरान दाजी की तरफ जा रहे हैं और ये डब्बा आपके सामने आ गया है इसमें सब कोई काउंटर है अपनी अपनी पर्ची अपने हाथों में रखे इस वक्त आप उस मौके पर पहुंच गए जहां आपकी दिलों की धड़कन तेज होने वाली है और कुरानदाजी की तरफ जा रहे हैं पास्टर सर हम कुरानदाजी करने वाले आप प्लीज पास्टर सर पहली पर्ची कटन गए जो भी नाम पहला निकलेगा इस पर्ची दे जाएगा जी सर मान सर प्लीज पैसा तेरा एक पर्ची और कट 1094 असि लोगों ने वादा किया है कि जिथे भी तुसी हो जिथे भी तुसी पर्ची खरीदी है तो निकलेगा और तुम्हें मिलेगा ए पर्ची और ए इनाम साढ़े को अगले 6 महीने तक महफूज है कितने देर लिए 6 महीने तक 2254 चुको जी पर्ची है खोलो जनाब खड़े हो जो फिर 2254 2254 2254 कैंडीलैंड कैंडीलैंड आ दो भी आ गए पैकर पूरा जी चलो जी फोन पर चुके 2269 2269 फोन पर चुका
कैंडी खत्म होगी सर नहीं वो टाइम पीस अभी तो क्लॉक दे होती क्लॉक के मैंने जनाबे हम किसी लाख के बांध के चर्चा ना करना है अगे आओ जी पालो अच्छे वाला अच्छे वाला हाँ जी खोल दे खोल दे ना खोल तालियां 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 आपकी जोरदार तालियां जी ये मुझे ये आप लोग थैंक यू अपनी पर्चियां चेक कर लो जी जी double two eight five पंद्रह तिहत्तर मोटरसाइकिल वाले आ गए हैं जिनकी निकली है हाँ जी उस पर लिखा हुआ था जी आप देखेंगे भाई ये 1541 जरा बोले सब आएंगे सब आएंगे वैसे वैसे बेहतर एंड पे दे वेरी गुड वेरी गुड बेहतर लास्ट पे दे लास्ट पे लास्ट पे दे ताली में भी आगे नीचे ये अच्छा सुने अच्छा सुने 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 एक मिनट मोशन चाहिए कैश चाहिए पैसे चाहिए मोशन चाहिए ऑप्शन जी सर बताएं मोटरसाइकिल चाहिए कैश चाहिए चले जी बाइक मेरी इनको हम 70,000 कैश दे देते हैं मिल गया आप उसे रिसीव करना ओके फाइन फाइन
के साइड में बुलाओ जरा। वाह जी, जोरदार तालियां जी। पार्टी चलानी नहीं है, नहीं परफॉर्मेंस चलानी नहीं, तू पहले गए। वाह, आओ वंस अगेन। हम और ले लेंगे एक तरफ बैग स्वागत है और पहले ये दोनों है क्या जी की बैग जो बड़े दे टुकड़े लोग होते चुके हैं जितने कितने जी वाले जी कहता भाई बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये मैच चल रहा है मैं जाके जय मां जरा पत्ते चेंज कर लेते फिर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चले जी पानी पे तो कहने में तो तुझे मेहरबानी सारी है। हालेलुया, ये खुदा की किस्मत के लिए बाइक इस्तेमाल होने लगी है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक क्लोज पिक्चर। तो अभी तो ये नहीं मिलने ये बनाया है मैं बनाया जी पाँच पाँच साल की तस्वीर ये डबल क्रिसमस क्या है जी ये हालेलुया खुदा ने मैं इस करके चुनिया जो थिएटर नवा नवा गाली गलोच बदतमीजी और गंदिया जुत्ता जो शुरू हो गया फैमिली न्याणा जाना घट किया बंद नहीं किया घट किया अमान सोना साहब ने कवि खान और एक दो दोस्त और बड़े अच्छे लोग बैठे सन सुहेल अहमद साहब सन इन्होंने मौजूदगी कहा कि सर तुम सारे मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिले इज्जत हो और थिएटर मेरे लिए बहुत काबिले इज्जत है पर मैं आज तो बाद थिएटर छड़ रहा हूँ क्योंकि ना मैं किसी की माँ भैन को गल कर सकता ना मैं अपनी करवा सकता क्योंकि मैं एक मसीही हूँ और मैं एक मसीही संकार हूँ। सो एक गाँव जिस मसीह की जिंदा गवाही है इन्होंने उदों का स्टेज छड़िया है आज इन्होंने तकरीबन 20-22 साल हो गए स्टेज छड़े नूं लेकिन आज भी मन मन शो दे विच अगर खालिद पास स्टाफ तो बाद कोई वड्डा नाम आंदा है तो मान सो इन्होंने खड़े होकर कर दिया इन्होंने जिंदा गवाही है आपको इतनी खुशियां दे इतनी खुशियां दे कि किसी चीज की कमी ना गॉड ब्लेस तो अभी वक्त है कि हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आएंगे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा तो मैं दावा दूंगा अमान सोना साहब को कि वो यहां पे आए स्टेज पे और सर बच्चे आपके सामने हैं इनको इसीलिए बुलाया था जो मैंने आपको तोहफा कहा था ना कि आपको मिलेगा तोहफा है जो मैंने आपको कहा था वो मैं आपको दे रहा हूं। थैंक यू सर, खुदा वाला आपको बरकत दे और पास्टर साहब खुदा वाला आपको अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आपने जो कलाम पेश किया बन बन गुंडे गुंडे को चीरता हुआ दिल में जा बस। गॉड ब्लेस यू।
भी कारक करवा रहे कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब किंग ऑफ कॉमेडियन अमार उल्ला खान साहब उन्हों का नाम है अमार उल्ला मेरा नाम है मान सोना गोल्डन पर बैठे मैं कोई मामूली बंदा नहीं मेरी तो इज्जत ही बड़ी मैं कोई आम बंदा नहीं बड़ी इज्जत है मेरी खुदावन का शुक्र है कि मेरी बड़ी इज्जत है मैं गल कर मैं कोई आम बंदा ही है मैं जिस वे स्टूडियो जाना जिते फिल्म जिन्नी पाकिस्तान की हीरोइन है ना अंजुमन रीमा खुशबू साहबा सब रौला पा दें बोतला लियाओ बोतला लियाओ बोतला लियाओ फिर मैं नस नस के लैन जाना मेरी बड़ी इज्जत है पांचों साहब मैं कोई आम बंदा नहीं हाँ जी मैं जो आया वा ना अज प्रोग्राम से पिछे साजन चौक के बड़ा समोसे कटन दिया उन्हें मेरी बड़ी इज्जत की खान साहब मैं खैर हो समोसे कटने में हथ ला के पूछा मैं भाजी गर्म एक चुक तीन हथ लाए चुक बच्चे की मेरे बात मेरे अपने मां प्यो तो गुस्सा आ सुना हुसन निष्कारे मुंडा खूबसूरत हो तो मंगनी एक मिनट एक मिनट उसमें कुड़ी वाले आए उन्होंने वेखे कि मुंडा सोहना सानू पसंद है तो मंगनी होगी इधर हो गए इन्हें जाके वेखे कि दूजा जी भी सोहना सानू पसंद है तो मंगनी होगी तो जो बादशाह साहब मेरी मंगनी होगी मंगनी का बहुत सही सी जिस माई ने रिश्ता कराया ना असल च गल कि अज तो भी पच्ची साल पहले बुजुर्ग भी बैठे ने भी पच्ची साल पहले ये रिवाज ही नहीं है ये रसम ही नहीं है कि कुड़ी मुंडे नूं वेखे मुंडा कुड़ी नूं वेखे तो मंगनी वैरता वाला दौर से देसी गल जो जो मेरी मंगनी हो सब उदो ही नवा नवा रिवाज चल पे जिस माई ने रिश्ता कराया उन्हें कहा तुम मुंडे साडे घर ही लै आना कुड़ी वाले नूं बुला लेंगे नाले बहाने बहाने कुड़ी वेख लेगी मुंडा वेख लेगा वो तो मान ही गए तो मैं डर का मना ही ना मैं कह मैं अगली उधर गए उन्होंने सेह मंजिया रख दतिया कुर्सियां रख दतिया ही हम उ बैठे वो तीन चार बीबिया उत्तो बरांडे चो थले वेखन गए मैं हिसाब लावा कि इन्हें चो मेरी मंगेतर की एक बीबी ने बिचो एज किया मैं कहना भी तेरे हुसन दे रह गई हुई ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਡਏ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਸੀ ਤਾਲੀਆਂ ਕਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਰਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਗਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਾ ना देशां दा राजा ना बाबल दा प्यारा ना देशां दा राजा ना बाबल दा प्यारा अमरी दे दिल दा सहारा नी घोड़ी उत्ते कीड़ा चढ़िया कीड़ा चढ़िया
अच्छा जी ये मेरी आइटम है माजरत किसी दोस्त ने वाल बढ़े रखे हो उनको गुस्सा ना करो प्लीज अजकल मुंडे जो पास्टर साहब के पास्टर साहब ने खुदा ने बरकत दी तुम भी सखा गुसावे के मुंडे ही हो कई मुंडे तो एडे शकीन ने पिछे पौनी पा के फिर वो तो मूह करके जाने उधर आंदे भाजी ने शरीन जाने छे घंटे शीशे की जान ही नहीं छाइल बनाई नहीं यार ये भी ठीक नहीं अथा भी जेल ला कर देखे ना कई मुंडे उत्ते वाल खड़े किए हुए हैं लगता कहीं ने छत को फाड़ के थले ला कर चलो यही छे छे कहते शीशे की जान नहीं छड़ दे ते गंजे बंदे गंजे बंदे जो सर ये सब तो पहलो तैयार होते जो घर दिया सारे तो पहलो कपड़े शपड़े पाए सिर तक टाकी फेरी करो अच्छा कुछ बीबी होंगे बड़े ठंडे सुभाग बड़े अच्छे तरीके का घर में चला दी है कुछ बीबी अच्छी गल भी कर रही तो आवाज बड़ी सख्त जी होगी लगता लड़ती है एक बंदा सी उसकी बेगम बड़ी लड़ाकी जी सी वो बड़ा जान चढ़ा दा हिंचा वो कदे फौत हो गई मैं सर उसे सीट पे आना वेखो ना कि जिसने फौत हो गए तो बना के आन लगे ना कब्रिस्तान तो वापस तो बड़ी जोरदार बारिश शुरू हो गई बड़ी जोरदार बारिश तो सारे अजे वेहड़े च वड़े ही ने एक जोरदार मतली करती तो बंदा लाई करके उत्ते मूह करके कहते करम वाली पहुंच गई अच्छा तुम वेखो कि गरीबां दे बच्चे जिहड़े होंदे ना इह किसी होर तरीके नाल होंदे ने चीज मंगदे ने साडे महल्लिआं दे ऐ नाल ही डिफेंस इहनां दे बच्चे तुसीं रोंदे होए वेखोगे ना तां सोहणे लगदे मूंह नूं वी गजबा करदी बड़े सोहणे तरीके नाल चीज बड़े अच्छे तरीके नाल मंगदे खडौना वी सोहणा मंगदे मुझे गाड़ी नहीं लेके दे रहे मामा पापा को तलाक दे दो मामू छी जैसे शादी कर पता ही नहीं मैं की कह बच्चा ना ये नहीं कढ़ाना भी सोना मगन डे रिमोट कंट्रोल गड्डी सारे गरीबों के कुछ चीज भी चंगी नहीं मंगनी लेट लेट के वेड़ा भी पुट छड़ना मूह वेखना है Ha 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 ha
मैं खोता लेना सी आप जैबरा मैं तोहफा दे खैर हो गई। अच्छा सारे शेव करते हैं बड़े अच्छे तरीके साहब बड़ा जो शेव करनी होंगी तो शबन च मूह दे भी अच्छा जी हर इलाके सब जैन की गल हर इलाके कोई ना कोई बंदा ना बदमाश जो मरिया एवं गली च भी कई मुंडे लम्मा जो कुर्ता पा के ना भी अगर रोह कि पाते हैं मुस्कीन बंदे माड़े बंदे मुस्कीन बंदे तो रोह पाते हैं जिन्हें इन्ने को अमरूद रखे हो बेचने वास्ते एवं थोड़ी खजूर रखी हो मुश्किल बंदे थे और चल इतो चुक अपनी छाबड़ी की चल फिरती सोना पाला सिंह का खोखा पाया आप डंडिया टुक टुक सुटी जाने मक्खिया की चुक छाबा जाए था इनी देर कुछ असली बदमाश आ गया रेड़े उन्हें आगे पिछले बात कराई और चल तू भी चौक चढ़ा पाया चल अगे हो पिछे वेखी और चल तेरे वर्ग कई वेखे पिस्टल कड़े तो चैंबर चाड़े ओ बिस्मिल्लाह मलक साहब आए ए तू ही तो भरा आया जो से आ रहे हो आने से तो टूटे पिरने नंगो भाजी मैं को ओनू राह दे रहे ओनू ने सी पता कि पीछे कुत्ता बैठा है कुत्ते दे पैर ते अचानक पैर हुंदा है कुत्ते दी की चीजा निकलियां ने ते भगवान रा दे की क्राह निकले ने सारा साह नहीं रड़े हम आवाज कटी है हसन का अंदाज हर बंदे का अपना है। कुछ दोस्त होंगे ने कि तुसी जिन्नी मर्जी हसन वाली गल करके वेख लो खुल के हस दी उन्हें खुल गया एवं होटा दबा दबा के मूंह नूं घुट घुट के घुने तरीके नाल हसदे ने घुना हासा कोई दोस्त होंगे ने उन्हें आवाज बड़ी तरीक जी होंगी सेहत बहुत अच्छी आवाज बड़ी बरीक होंगी मुर्गी आंडा देने के बाद शोर मचाती है आंडा देता चुक लो कोई दोस्त हो जाए छोटी जी गल करके वे लो हसन वाली वो इन्ना हसते ने इन्ना हसते बंदा चार क्वार्टर च हो अजय छे भी किसी ने कहा कि नासर साहब लाल जुबान बाहर आई थी नासा साहब अपनी खुशी को उठ के तो बाहर चले ना अपनी खुशी नड़ के तो आप ही टेक उस बंदे को पता लगा जरा मुंह घुट के हस रहा है नासा साहब डिग पे तेन क्या तू बड़ा सुनया
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜਾ ਸੰਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਦਰ ਕਵੇਕ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨੀ ਰੁਕਦਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਭਾਈ बारह चौदह साल पहले बनी सी गुदाम ने मेरे को गुरबार की इस मेरी कोई कला मारना है इस गुदाम का फजल हो इस आइटम अज तक कोई कर सके एडी मुश्किल आइटम है तो पाकिस्तान सिर्फ वीर करता हो पाकिस्तान गोल्डन जो भी है काफी सारे अवार्ड में सब इंटरनेशनल अवार्ड खुदावन ने मुझे दिए एक खुदावन का फजल है कि मेरे अवार्ड मिले ने वरना मैं शायद कि कभी नए साल के प्रोग्राम होता था सी गिरजा चौक बड़ा रश होता होता सी कभी मौत के खूह भी लगते सन मेलिया तो अक्सर मौत के खूह लगते 14 अगस्त से लगते ने मौत के खूह झटका ला देना पिछले पहिए या फिर दो बंदे धक्का ला देना Thank you.
जो दूसरा राउंड करता कोई दस रुपए इनाम दिता कोई 20 रुपये कोई 30 रुपये कोई 50 रुपये गुज़िश्ता क्रिसमस और आने वाला साल मुबारक हो, आपके लिए खुशियों भरा साल हो, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों भरा साल हो। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हजूर में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। खुदा तूने अपने लोगों को बरकत दी, खुदा तेरे बंदा भाई अनासर जमील के लिए, इनकी सारी टीम के लिए और आए हुए तमाम अजीजों के लिए और तमाम मेहमानों के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा अब जबकि एक नए साल में दाखिल होने को है, तेरे कर्म की नजर इन पर रहे और खुदा इन पर खुदा तेरी बरकत इनके लिए जारी रहे, मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन। आमीन सब बोलिए आमीन। आइए मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सभी के साथ दुनिया के कुल मुकद्दसीन और कौम बनी इसराइल के साथ आपसे बताते हो, मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और सबको नया साल मुबारक हो।